गुरुभ्यो नमः ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वंदे गुरु परम परा सद्गुरुनाथ आचार्य श्री के आर मनोज जी के पावन चरणों में साष्टांग नमस्कार करते इस कार्यक्रम के आयोजकों आयाम नासिक के पूरे मेंबर्स और इस कार्यक्रम में भाग लेने यहाँ आए हुए सभी देवियों और सज्जनों में आप सभी को हार्दिक नमस्कार या स्वयंभू ज्योतिर्लिंगामले पुनीत जालेल्या वा, त्याही पूर्वी अयोध्यावासी श्री प्रभु राम श्री रामचंद्र, वा लक्ष्मण याचिया परमेश्वरी अम्शाने वा पदस्पर्शाने पावन जालेलिया या पुण्य वा तीर्थक्षेत्री या कार्यक्रमात भाग गहिया सन्धि आमाला मिला हा आम्मी देवी आशीर्वाद समझते तसेच महान शूरवीर व स्वराज्य संस्थापक छत्रपति श्री शिवाजी श्री श्री महाराज व समर्थ रामदास स्वामी तसेच स्वतंत्र सेनानी श्री सावरकर व गोदावरी या पवित्र नदी काठावर वसलेलिया नाशिक या तीर्थ आयोजितिया आयोजित या कार्यक्रम भाग लेने की संधि दिल्ली बदल आमी तमाम नाशिकरांचे आभार मानते एक कहानी से शुरू करते थे हजारों किलोमीटर दूर भारत के दक्षिण में एक छोटा सा गांव, वहाँ एक छोटी सी ब्राह्मण परिवार माँ बाप और दो बेटे गरीब से कष्ट सब कुछ सह सकते सहते थे फिर भी उस परिवार के माँ को एक आशा थी दो बेटे हैं एक बेटी चाहिए इंतजार किए ग्यारह साल के इंतजार के बाद उन्हें एक बेटी पैदा हुई इकलौती बेटी माँ बाप ने बहुत उम्मीद से प्यार वात्सल्य सब देकर पाला पोसा बहुत भरोसा था हमारे लड़की कभी भी हमारे संस्कृति से हमारे परिवार से हमसे कभी भी दूर नहीं जाएगी बहुत उम्मीद थी बाइयों को भी बहन के बारे में बहुत जागरूकता थी बहन के लिए बहुत अधिक प्यार भी थी ब्राह्मण फैमिली होने के नाते अधिक से अधिक रिचुअल्स वग़ैरह पार्टिसिपेट करती थी वो लड़की बचपन में और बचपन की वो नटकटा होती है ना सवाल पूछने का आदत भी वो लड़की को थी गांव वाले माँ बाप हैं जो सवाल वो लड़की पूछती है उसके लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल का काम था क्योंकि ये मानव जन्म के बारे में क्यों मानव पैदा होते हैं और इसका अर्थ क्या होती है ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे तो गांव वाले लोग हैं क्या जवाब दें और जो रिचुअल्स वग़ैरह सेरिमनीज़ वगैरह घर में होते तभी आने वाले ये प्रीस लोग होती हैं उनसे भी पूछने का कोशिश वो लड़की करती थी मगर फ़ायदा कुछ नहीं मिला क्योंकि उन लोगों ने उतने संस्कृत पढ़े हैं संस्कृत श्लोक बो बोलकर संस्कृत में ही जवाब देते हैं तो उतना अच्छे जवाब नहीं मिला फिर पूछते तो माँ बाप डांटते थे तुम्हें तो पढ़ने के लिए कुछ और नहीं है क्या क्योंकि माँ बाप सिर्फ़ इतने सोचते थे कि उन्हें क्या कुछ स्कूलिंग कुछ नहीं मिला तो हमारे बेट बेटे और हमारी बेटी को मिले उतना ही उन्होंने सोचे और उन माता पिताओं ने उस लड़की से इतने उम्मीद कर रहे थे कि वो लड़की पढ़ेगी और एक अच्छे स्थान पर पहुंचेगी बड़े होते ही लड़की के स्वभाव बदल गई क्योंकि ऐसे पूछ कर पूछ कर कोई फ़ायदा नहीं है जैसे सभी लोग होते हैं उसके साथ पढ़ने वाले लोग होते हैं उसके सहेलियाँ कैसे होते हैं होते थे ऐसे ही वो लड़की पूछना सब कुछ छोड़ दी अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट कर दी वो भी माता पिता लोग कैसे सोचते थे वैसे ही सोचती थी पढ़ाई पूरा करना है एक अच्छी जॉब लेना है ऐसे ही लाइफ सेटल करना है समय ऐसे ही जाने शुरू किया और लड़की बड़ी हो गई गाँव वाली लड़की अभी शहर में कॉलेज जाने शुरू की शहर नया था लड़की के लिए शहर के ज़िंदगी कैसा होती है वो पता नहीं है वहाँ के लोग कैसे हैं पता नहीं है किस किस तरह के कम्युनिटीयां वहाँ होती हैं जातियां, मत सब कुछ होते हैं इसके बारे में भी लड़की को कुछ जानकारी नहीं जो कुछ स्कूल से अध्यापकों से मिलते थे वो ही ज्ञान था किताबों से मिलते थे वो ही ज्ञान था ये लड़की बहुत भरोसा करती थी अपने सहेलियों से मगर उन सहेलियों एक नया मत के वालों थे उस मत के बारे में यह लड़की को कुछ नहीं जानती थी वो मत थी इस्लाम वो सहेलियाम यह लड़की को बहुत अच्छे से पढ़े ये लड़की का कैरेक्टर कैसा है स्वभाव कैसा है कैसे इसे अप्रोच करें और सहेलियाँ हैं ना यह लड़की के भरोसा उतना ऊंच स्थाई में था कभी भी वो सोची नहीं थी कुछ बुराई होने वाली हैं सहेलियाँ बार बार सवाल पूछकर शुरू किए सवाल जो वो लड़की के मात्र मत के बारे में धर्म के बारे में था लड़की को याद आने शुरू की अपने बचपन बचपन में जो सवाल अपने माता पिताओं से और भाइयों से बड़े लोगों से यह लड़की पूछती थी वो ही सवाल अभी अपने साहेलियम पूछ रहे हैं मेरे पास जवाब नहीं है वो लड़की ऐसे सोचने लगी क्या जवाब दूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है जो सवाल बचपन में ही एक पूछती पूछी थी मगर जवाब नहीं मुझे मिला मैं कैसे जवाब दूँ फिर लड़की सोची इन सब सवाल को सवालों को आंसर देकर क्या होने वाले हैं मैं यहाँ आई हूँ पढ़ने के लिए इसलिए पढ़ाई कंटिन्यू करने करते करते ही ये सहेलियाम उस लड़की को छोड़े नहीं सवाल पूछना कंटिन्यू करें और जब ये लड़की उन्हें अवॉइड करते करते भी फिर भी जो सवाल उन सहेलियों पूछते वो सवाल सब कुछ मन में होन्ट करने शुरू किए लड़की डर लगने लगी उस लड़की को सवाल पूछने का तरीका बदल गई विमर्श तक बदल गई वो लड़की के मात जब सहेलियों को पता चल गया ये लड़की को अपने मातृधर्म के बारे में कुछ नहीं जानती है और दूसरों के बारे में भी कुछ नहीं जानती है तभी सहेलियों स्लोली क्या करें, क्या किए उस लड़की के धर्म के बारे में बहुत नीच रीति में विमर्श करने शुरू किए तुम्हारी मत ऐसा है तुम इस तरह के मत में पैदा हुई हो तुम्हारे मत में देवता संकल्प ऐसा है वैसा है बोलकर उससे शर्मिंदा करने के लिए बहुत कोशिश किए और उस कोशिश में सहेलिया जीत गए वो लड़की उतनी शर्मती थी हिंदू बोलने में भी उसकी मातृधर्म हिंदू बोलने में भी वो लड़की शर्मती थी उस लड़की की वो वॉक्यम होती है ब्रेन में अच्छी तरह में यूटिलाइज करने शुरू किए इन सहेलियों बहुत अच्छी तरीके में अपने मत के बारे में इंजेक्ट करने शुरू किए अपने मत की आशय इंजेक्ट करने शुरू किए इन लड़की के ब्रेन पर बार बार इसे सुनते 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 फिर उस लड़की को पंफ्लेट देना स्पीचस के सीडीज ऑन यूट्यूब लिंक्स वगैरह देना ऐसे करके ब्रेन वॉशिंग बहुत अच्छे से चलने चल, uh, चालू रहे वो लड़की भी नहीं जानती थी उसका ब्रेन वॉशिंग हो रहा था वो लड़की ऐसे ही इस्लाम में इस्लाम से ही है सोचने शुरू की क्योंकि अपने मात्र धर्म के बारे में पढ़ने के लिए बचपन से कोशिश कर रही हैं जानने के लिए बचपन से वो लड़की कोशिश कर रही है मगर कोई व्यवस्था उसे नहीं मिला कोई भी उसे सीखने वाले लोग भी नहीं नहीं था और जब सहेलियों पूछते थे तभी भी इंटरनेट में ढूंढ रही थी कुछ आंसर मिलेगा या नहीं तभी भी दस दस डिफरेंट डिफरेंट साइट्स होते थे डिफरेंट डिफरेंट इलाब्रेशन या एक्सप्लनेशंस मिलती थी उन उस लड़की को तो उससे भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने शुरू की वो लड़की और फिर ये सहेलियों के ऊपर जो भरोसा वो लड़की को था वो भरोसे में सहेलियों को सुनने शुरू किए तो ये ब्रेन वॉशिंग बहुत एक्टिव हो हो गया और उतना ब्रेन वॉशिंग हो रहा था कि एडिक्शन होने शुरू किए इन मत के विषय में सहेलियम थोड़ा सा डर भी इंजेक्ट करने शुरू किए तुम अभी इस्लाम सही मान रही हो ना तो तुम इस्लाम कबूल करना चाहिए क्योंकि इस्लाम ही सही मत होती है इसमें जो देवता संकल्प बताया गया है वो ही सही हैं दूसरे सब कुछ झूठ है और तुम इसे ही मानना चाहिए नहीं तो इतना जानकर भी तुम इसे नहीं मानते हैं तो तुम्हें अल्लाह के पास सज़ा सज, मिलेगा और खबर में भी तुम्हें सजा मिलेगा वो हेल्प पनिशमेंट के बारे में अल्लाह के पनिशमेंट के बारे में सब कुछ सुन 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 कर वो लड़की उतना डर गई थी उस डर से रात में सो नहीं पाती थी वो लड़की वो डर से सहेलियों जो सहेलियों रिचुअल्स अनुष्ठान कुछ मत मत के मत में रिलेटेड अनुष्ठान कुछ सिखाए वो सब कुछ घर में छुप छाप करने शुरू की उन्होंने बताने शुरू किए सहेलियों और सहेलियों द्वारा परिचय हुए लोग बताने शुरू किए कि तुम अभी इस्लाम फॉलो कर रही हो तो तुम बहुत होशियार होना चाहिए तो इसे ये लड़की को घर में किसी से भी कुछ भी कह नहीं पाती थी ग्रेजुएशन पूरा हो गई इस्लाम स्टडीज़ कंटिन्यू हो रही थी उसकी और वो पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कम शुरू पढ़ने शुरू की तभी अध्यापिका बनी तब भी ये स्टडीज़ कंटिन्यू हो रही थी और फिर ये इस्लाम स्टडीज़ के ये इस्लाम के प्रभाव से उन सहेलियों के प्रभाव से उतनी मद मतभ्रांति होकर यह लड़की अपनी टीचिंग प्रोफेशन छोड़ दी और अकेले घर घर में अपने घर में अपने कमरे में ही रुकने शुरू की नमाज़ करती रोज़ा लेती सब कुछ करती थी डर रही थी उतनी डर थी अगर अपने बाप से बात करेंगे भाइयों से बात करेंगे तो अल्लाह से पनिशमेंट मिलेगा या नरक से पनिशमेंट मिलेगा क्योंकि वो लड़की की माँ माँ बाप और भाइयों काफिर लोग हैं ऐसे सिखाए गए थे इस इस मत के किताबें और इस मत के फॉलोअर्स से लड़की के सहेलियाँ और उसकी सहयोगियों भी एक दिन इस मदभ्रांति से वो लड़की क्या किया आपको पता है अभी आप उस लड़की के माँ के स्थान पर ज़रा आपको ही प्रतिष्ठा करके ज़रा इमेजिन करना चाहिए एक दिन जब पड़ोस के एक आसपास के एक मस्जिद से आदान आ रही थी वो लड़की सुनने के लिए खान कौन, कंसंट्रेट करके सुनने के लिए देख रही थी तभी उस लड़की की माँ ग्यारह साल तक इंतज़ार करके इकलौती बेटी को मिला था और वो लड़की उतने प्यार वात्सल्य सब कुछ देखकर पाला पोसा था उन्होंने वो लड़की के पसंदी खाना तैयारी करके बेटा तुम्हारे लिए लाई हूँ खाओ करके कह के आई थी तभी वो लड़की बोली मुझे नहीं चाहिए माँ बोली क्यों बेटा तुम्हें इतना पसंद है ना खाओ मैं तुम्हारे लिए ही तैयारी की हूँ वो लड़की बोली मैं कहा ना आपसे मुझे नहीं चाहिए बोलकर जो गोद में जो पेट में नौ महीने वो लड़की को वो लड़की रहा था उसी पेट कर पेट में मार कर से दूर कर दिया माँ को अगर उस लड़की के माँ आप होते आपको कैसा एहसास होता और यहाँ हो, आए हुए बहने, जरा सोचिए आपका आपका ब्रेन इतना ब्रेन वॉश हो था तो कैसा हो जाता था पढ़ी लिखी लड़की अध्यापिका थी, फिर भी उसके हाथ से ये पाप हुआ फिर यह लड़की को घर में रुकना उतना कष्ट की विषय था खाना छोड़ दी क्योंकि काफिर लोग तैयारी किए गए खाना है पिताजी काफिर है भाइयों काफिर है उन लोगों से बात करना उतना कष्ट का विषय था क्या करना चाहिए मुझे डर लग रही है मुझे ऐसे बोलते सहेलियों से एडवाइस मांगी तभी सहेलियों और सहेलियों द्वारा परिचय हुए इस्लाम मत के लोग ऐसे उपदेश दिए तुम लीगली कन्वर्ट होना चाहिए क्योंकि तुम तुम जो नमाज कर रही हो तुम जो प्रार्थना कर रही हो अल्लाह के सामने वो एक्सेप्ट नहीं हो जाएगा तुम बुरखा पहनना चाहिए तुम हिजाब पहनना चाहिए इस सोसाइटी में ऐसा जीना है तो तुम लीगली कन्वर्ट होना चाहिए और कुछ लीगल कन्वर्शन करने वाले जगहों के बारे में इन्फॉर्मेशन भी उस लड़की को दिए ये लड़की अचानक एक दिन घर में झूठ बोलकर क्योंकि सहेलियों ऐसे ही उपदेश दिए थे झूठ बोलकर घर से निकली ज़िंदगी में पहली बार वो लड़की अकेली अनजान जगह तक यात्रा कर रही थी अनजान लोग अनजान जगह थोड़ा डर उस लड़की के अंदर थी फिर भी अंदर से एक शक्ति उससे बोलने शुरू किया आगे जाओ वो लड़की कन्वर्शन सेंटर तक वो आसपास में नहीं था फोर फाइव आवर्स ट्रैवलिंग करना था ट्रेन टिकट सब कुछ लेकर अपने सहेलियों को कॉल कर दी और बोली मैं घर से निकली हूँ अल्लाह के दीन मुझे चाहिए और मैं जा रही हूँ पता है आपको उन सहेलियों क्या बोला होगा सहेलियों बोल रहे थे तुम किस बात के लिए जा रही हो कौन से विश्वास करके जा रही हो हमसे विश्वास करके तुम मत जाओ हम नहीं होंगे जब तुम ये सब कुछ करके वापस आएगी तो हाथ छोड़ दे लड़की अकेली हो गई फिर एक बार क्या करने चाहिए अभी कहाँ जाना है सहेलिया सब लोग फोन स्विच ऑफ कर दिए और क्या करें आगे जाने हैं या नहीं वो लड़की के अंदर से वापस एक शब्द आ गई आगे जाओ देखो वहाँ क्या होगा लड़की आगे गई ऐसे ही कन्वर्शन सेंटर पहुँची वहाँ के कन्वर्शन सब कुछ प्रोसेस सब कुछ हुआ और वहाँ से क्लासेस मिलते मिलते पहले से भी ज़्यादा इस्लाम कट्टरपंथी बन गई और इतना ब्रेन वॉश हुआ कि वो एक जिहादी जिहादिन ही बन गई अगर वो लड़की ऐसा सोच रहा था अगर मरने से पहले जान जाने से पहले मिनिमम दस लोगों को कन्वर्ट करना ही चाहिए मुझे और इस दुनिया इस, इस भारत से ये काफिर लोगों का जगह है जैसे वहाँ के टीचिंग था ये काफिर लोगों के राष्ट्र से दूर वहाँ मोहम्मद पैदा हुए थे और अभी सो रहे हैं वहां जाना है ऐसा सोच आ गया तभी घर वालों को पता चल गया कि लड़की झूठ बोलकर कई जगह गई है कहाँ गई है पता नहीं माँ बेहोश होगी पिताजी क्या करना चाहिए इकलौती बेटी है कहाँ गई होगी सब जगह ढूंढे पुलिस पुलिस के मदद लिए घर वालों नहीं देख रहे थे जो बदलाव लड़की के उप, पास हो रही थी मगर उस गांव के कई कुछ लोग ऑब्जर्व कर रहा था इस लड़की के वेशभूषा सब कुछ बदल रही है अचानक सी वो लड़की काम करना छोड़ती है और सब लोगों से बात करना छोड़ती है बिंदी नहीं लगाती है और मंदिर नहीं जाती है ये सब बदलाव सब कुछ देख रहे थे और गांव वाले लोग पुलिस को इन्फॉर्म किए ऐसा एक सूचना दिए और पुलिस के मदद से माँ बाप ने उस कन्वर्सन सेंटर तक आए और वहाँ से बहुत मुश्किल से क्योंकि उन लोगों ने उन लड़की को और वो लड़की वो मत को भी छोड़ने वाले नहीं थे फिर भी वो लड़की को वहाँ से निकाल कर वापस लाए मैन मिसिंग है ना मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर करने थे जबी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने जाते ही वो लड़की की माँ उस लड़की के हाथ पकड़ रही थी इतने दूर करके भी इतने मार कर भी उस लड़की के मन के अंदर कह, कहीं एक जगह में थोड़ा सा ममता बाकी थी वो ईश्वर की भलाई होगी वो लड़की सोची अगर यहाँ मैं अभी जाना ही बोलेगी तो दो जान यहाँ ही जा यहाँ से जाएगा क्योंकि बाहर पिताजी एक हाथ में पॉइसन बो, बोतल पकड़ कर रुके थे तो वो लड़की बोली दो दिन के लिए क्योंकि घर वालों को कन्विंस करना है इसलिए दो दिन के लिए माता पिताओं के साथ जाती हूँ फिर मैं मुझे वापस वहां कन्वर्शन सेंटर में ही जाना है मुझे इस्लाम पढ़ना है मैं इस्लाम की जैसे जीना चाहती हूँ ऐसे दो दिन माँ बाप को मिला है अपने बच्ची को बचाने के लिए ग्यारह साल इंतज़ार करके मिले एक बेटी और इतने उम्र तक इतने प्यार से इतने उम्मीदों से और शिक्षा देकर सब कुछ देकर पाला पोसा अभी वो लड़की दो दिन के चांस दे रही है अब हमें ऐसे सोच रहे थे वो माता पिता लेकर गए तभी ही लेकर गए वहाँ गए यहाँ गए सब जगह गए ऑस्ट्रोलॉजर के पास गए नाटिव हीलर के पास गए कई कुछ ब्लैक मैजिक हुआ था ऐसे सोचकर मगर कहाँ भी एक सॉल्यूशन नहीं मिला उनको चाहिए था अपने बेटी को इस्लाम से वापस हिंदू धर्म तक लाना मगर कहाँ भी उनके लिए जवाब नहीं मिला कहाँ भी उनके लिए सॉल्यूशन नहीं मिला कई लोग ऐसे एडवाइस किए एर्नाकुलम के, केरल के एर्नाकुलम में एक आश्रम है उस आश्रम के आचार्य बहुत महान है उतनी ज्ञानी है उनके पास हजारों लोग ऐसे आए हैं और उन लोगों को वापस हिंदू धर्म तक लाए हैं ये सुनते सुनते वो लड़की के मन में आ गई यहाँ ख़त्म होने होने चाहिए ये हिंदू हिंदू मत के ओर लाने का कोशिश उस आचार्य उन आचार्य जी को ही मतांतर करके उनके शिष्यों को मतांतर करके घर वालों को आसानी से मतांतर करें ये लड़की ऐसे सोच रही थी माँ बाप ने उस लड़की को आश्र विद्या समाजम नाम से वो आश्रम तक लेकर गए वहाँ के आचार्य आचार्य श्री के आर मनोज जी के सामने लाए आचार्य जी के सामने वो लड़की इतनी अहंकार से बात कर रही थी कि जब आचार्य जी उस लड़की से बोली नाम बोलकर बोली बैठो बेटा तभी बोली मेरा नाम वो नहीं है मेरा नाम रहमत है ऐसे ही पुकारना चाहिए और मुझे आपके वेद उपनिषद भगवत गीता कुछ भी नहीं सुनना है मैं कुरान में विश्वास करने वाली हूँ मैं मोहम्मद को फॉलो करने वाली हूँ और हदीस सुनना चाहती हूँ और उसके ऊपर ही चर्चा होगी बात करते हैं तो ऐसे करके बात की जो इतने ज्ञानी है ज्ञान की कुंभ है वो आचार्य जी कैसे भी कैसे उत्तर जवाब दे दिए होंगे आप सोचिए मुस्कुराहट से बोले कोई भी हो बैठो आप रुक कर कैसे बात कर सकते हैं और आपको इतनी आप इतनी पढ़ी लिखी हो टीचर थे और इतने बच्चों को प, सिखाए हो बैठो बैठ कर बात करें ऐसे डिबेट शुरू हो गई जो मत में वो लड़की विश्वास कर रही थी जो मत की ग्रंथ में वो लड़की इतनी भरोसा रखी थी इतनी एडमेंट थी उसी किताब से उसी किताब में लिखे गए देवता बोलने वाले वचनों को ही आगे रखकर आचार्य जी उस लड़की को समझाए कि ये सही मत है या गलत मत साढ़े पाँच साल से ये लड़की का इस्लाम स्टडीज़ कंटिन्यू हो रहा था साढ़े दो घंटे में इस्लाम गलत प्रूव करके आचार्य जी उस लड़की के हाथ में दी कथा अभी भी बाकी है वो भी सुनने चाहिए अभी वो लड़की इस्लाम से नीचे आई है मगर अभी भी वो लड़की हिंदू नहीं बनी है वो लड़की पूछी वो लड़की आचार्य जी से पूछा कि अगर ये गलत है तो सही क्या है सही ईश्वर दर्शन क्या होती है मुझे जानना चाहिए आपकी हिंदू धर्म सही है बोल रही हैं आप इसमें ऐसा है ना वैसा है ना जो विमर्श जो उनकी सहेलियों पूछ रहे थे सब कुछ एक बाय एक वो बोलने शुरू की जब भी तब भी आचार्य जी मुस्कुराहट से बोली आपके सब सवाल के लिए हमारे पास जवाब है मगर आप यहाँ रुक कर यहाँ के सनातन धर्म के सिस्टमैटिक स्टडी आप सीखने चाहिए तभी वो लड़की को हंसी आ गई पता है क्यों वो लड़की पहले बार जिंदगी में सुन रही थी सनातन धर्म नाम कितनी मजा की बात है ना एक ब्राह्मीण परिवार में पैदा होकर भी हिंदू हिंदू सुन सुनकर जिए मगर सनातन धर्म है इस इत, इतनी श्रेष्ठ धर्म के असली नाम सही नाम सनातन धर्म है वो लड़की को नहीं जानती थी वह हम से शुरुआत थी वो लड़की उन महान आचार्य जी के पास से सनातन धर्म की बाल पाठ बेसिक्स सब कुछ पढ़ने शुरू की और फिर कितने महत्वपूर्ण शास्त्र छोड़कर इतनी महत्वपूर्ण दर्शन छोड़कर अपने महान ईश्वर को छोड़कर गुरु परंपराओं को छोड़कर इतनी गंदगी मत के ओर जा रही थी इस मत के लिए जो इतनी गंदगी काम कर रही थी वो सोच सोच कर आगे क्या करना है सोच रही थी जब उस आचार्य उन आचार्य जी उस लड़की को एक उपदेश दिया सनातन धर्म की सही तरह की पढ़ाई की कम आप जैसे बेटियों और बेटों को इस हालत में ला रहे हैं तो आप दुखी ना हो जाओ ये एक ये संदर्भ को पॉजिटिवली आप ले सकते हैं और आप आपके जीवन में इसे एक जन्म लक्ष्य बनना है कि जो ज्ञान का कमी आपको इस हालत तक लेकर आए थे वो ज्ञान को पूरी दुनिया तक फैलाने का एक शर्त आप लेना है आप आगे आने चाहिए आप इससे दुखी होकर पीछे ना जाने वाली हो आप आगे आने चाहिए गुरुदेव जी के बात सुनकर वो लड़की उतनी गर्व से उतने शौर्य से उतने धैर्य से आगे आ गई वो लड़की अपनी जिंदगी संपूर्ण इतनी बड़ी श्रेष्ठ मिशन के लिए पूरी दुनिया में सनातन धर्म की आशय फैलाने के लिए सनातन धर्म की ध्वज पढ़ने के लिए आगे आ गई वो लड़की कौन है आपको पता है आपको पता है वो लड़की आपके सामने रुककर अभी बात कर रही है वो मैं ही हूँ धन्य हूँ मैं अभी और बहुत कृतज्ञता से अपने गुरुदेव जी को और मात्र संस्था आर्ष विद्या समाजम को याद करते हैं और शुभ संदर्भ जब अपने जीवन में गुरुदेव जी के आगमन हुई और सनातन धर्म की बारे में सुनने पढ़ने की अवसर मिला उस, उस बात में बहुत धन्य हूँ और कृतज्ञता भी उस पावन चरणों में अर्पण करती हूँ अगर विद्या समाजम नहीं आचार्य श्री के आर मनोजी हमारे गुरुदेव जी नहीं होती, यहां हुए, मेरे साथ आए हुए सब बहने और मैं और यहाँ आने के आ नहीं पाए हुए कई लोग हमारे संस्था में है उन लोगों के जीवन में कैसा कैसा हालत हो जाते कौन जानते हम जिएंगे या मरते थे हम भी अफगानिस्तान के जेल में हो जाते थे मग, अगर हम समाज़म तक नहीं आए तो हम भी आतंकवादी होकर बंदूक सब कुछ पकड़कर भम भुट कर मरने वाले लोग होते मगर अब हमें ऐसे इतनी महत्वपूर्ण एक मंच पर रुककर आप जैसे स्वाभिमान हिंदुओं से बात करने के लिए इतनी ताकत तक हमें अपलिफ्ट किया है तो उससे बड़ा सनातन धर्म सेवा ईश्वर सेवा क्या होगा आप जरा सोचिए मेरे मतांतरण के तरीके और मतांतरण के जाल में फंसने वाले व्यक्ति की क्या स्थिति होती है और कैसे गुरुदेव जी और आश्रय विद्या समाजम ने मुझे वापस हिंदू धर्म धर्म तक लेकर आए ये सब विस्तृत रूप में लिखी हूँ एक किताब में असली इसका ओरिजिनल वर्शन मलयालम में है और पर्यावरत कथा नाम से और इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ है स्टोरी ऑफ अ रिवर्शन और मराठी में भी आपको पढ़ सकते हैं अवेलेबल है कथा एका प्रत्यावर्तना ची और यहाँ हम कई किताबें लाए हैं मेरे किताबों के साथ मेरी बहन शांति कृष्णा जी के रीबोर्न जो क्रिश्चियनिटी के ओर जाने वाली थी आचार्य जी के और आर्ष विद्या समाजम के वक्त पर जो कुछ उपदेश उस आदेश उपदेश सब कुछ मार्ग निर्देशन सब कुछ शांति कृष्णा जी को मिली और वह वह भी घर वापसी हो गई हम हमारे ये किताबें और हमारे अनुभव सब कुछ आपके सामने साझा कर रहे हैं क्योंकि हम आपको बताने चाहते हैं इस मतांतर की गंभीरता कितना है बाकी सब समस्याओं के लिए हमारे समाज में सॉल्यूशन है सोल्यूशन ढूंढने के लिए लोग हैं सोल्यूशन ढूंढकर उसे एक्सिक्यूट करने के लिए भी लोग हैं मगर कल के पीढ़िया हिंदू होकर स्वाभिमान से जीना चाहिए तो आज कल के पीढ़ियों कल के पीढ़ियों के लिए उतने चिंतित होकर कितने कष्टता सहन कर हम जीते हैं मेहनत करते हैं हमारे आगे आने वाले पीढ़ियों में सुरक्षित होन, होना चाहिए तो हिंदू बोलकर स्वाभिमान से जीना चाहिए तो क्या करना चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए काम करने के लिए एक शाश्वत परिहार लाने के लिए हमारे समाज में कौन है इसके लिए एक इलाज नहीं है क्या इसे सवाल पूछते पूछते कितना सालों में हम गुसर गए हम, हमें गुजर गए अभी हम बोलते हैं हम हमारे अनुभव और हमारे कष्ट सब कुछ आपके सामने रखकर हम ये बोलने चाहते हैं कि इस व्याधि के लिए इस ये डिसीज के लिए एक इलाज है और आश्र विद्या समाजम और आचार्य गुरुदेव हमारे गुरुदेव जी एक योजना तैयारी किए गए हैं और उस योजना से हमारे सनातन धर्म अभी फेस करने वाले सभी प्रॉब्लम के लिए शाश्वत सॉल्यूशन होगा ये एक दिवा स्वप्न नहीं है कैसे हम बोल सकते हैं कि हम इसके उदाहरण है एक्सम्पल्स हैं हम सब लोग ताकि आशा विद्या समाजम द्वारा हिंदू धर्म वापस आए 8000 से ज्यादा लोग आशा विद्या समाजम के अश्विद्या समाज तक आते हम हिंदू स्वाभिमान होकर आए नहीं थे हिंदू सुनते हिंदुओं को देखते मंदिरों को देखते नफरत से हेट्रेड से वहाँ आए थे विद्वेश मनोभाव से आए थे हिंदू धर्म को नाश करने के लिए हिंदुओं को नाश करने के लिए यानी हिंदुओं को बलात्कार से या किसी तरीके में इस्लाम लेकर जाना है इस कोशिश में थे हम उतने आतंकवादी मनोभाव उतनी टेररिस्ट मनोभाव हमारे ब्रेन में घुसे थे और वहाँ से हमें श्रेष्ठ सनातन धर्म तक लेकर आए थे इस योजना से ही तो इट इज प्रूवन तो आपको एक विषय के ओर आपके अटेंशन लाने चाहती हूँ आश्रय विद्या समाजम के ये योजना धर्म प्रचारक पद्धति पूरी दुनिया में सनातन धर्म की महत्वपूर्ण आशय को आर्य धर्म के आशय को फैलाने के लिए और जब आचार्य जी बात किए थे आपसे तभी आपसे बोले हैं छह तरीके के ब्रेन वॉशिंग हमारे समाज में है उस छह तरीके के ब्रेन वॉशिंग स्ट्रैटेजी को हटाकर उसी बुरी आशयों को हटाकर हमारे सनातन धर्म सारे और पहुंचाने की सनातन धर्म की पंच महाकर्तव्यों को पालन करने के लिए हमें भी धर्म प्रचारकों का आवश्यकता है आपको पता है क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक्स के बीच में ही 40 लैक्स मिशनरीज है वेल ट्रेन्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड 40 लाख मिशनरीज इस्लाम कम्युनिटी भी कमी नहीं है इस्लाम में भी एक परिवार में एक आदमी एक बच्ची एक बेटा कोई भी हो मत मत शिक्षण के लिए जा रही है और मत कार्य के लिए जा रहे हैं तो वो महत्वपूर्ण कार्य समझकर भेजते हैं छोड़ते हैं मगर हम हिंदुओं हम सनातन धर्मियों का हालत कैसा है हम बैठे हैं हमारे लोगों को दूसरे मतों को रिक्रूट करने के लिए टेररिस्ट ग्रुप के ओर रिक्रूट करने के लिए रिक्रूट करने के लिए लोगों को देने के लिए हम बैठे हैं यह हालत फिर भी कंटिन्यू होना चाहिए इसके लिए क्या करने चाहिए हम एक सॉल्यूशन प्रैक्टिकलाइज करना ही चाहिए एक प्रूवन सॉल्यूशन है हमारे साथ पास जो गुरुदेव जी के वो तो बहुत तो बड़ा मिशन है उस मिशन में आप सभी को एक साथ हाथ जोड़ने के लिए आप सब से विनती करती हूँ आप सब आगे आना है इस योजना में भाग लेना है और इस योजना में आपके रोल कुछ कर सकते हैं तो आप भी कर कर सकेंगे तो वो अच्छा होगा आशा विद्या समाजम आपको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं कभी भी कहाँ भी अगर आप हमारे संस्था हमारे आश्रम आ रहे हैं तो वहां से यानी यहाँ आप एक कैंप वगैरह कंडक्ट करने के लिए तैयार हैं तो हम आ सके हम आ सकते हैं और ट्रेनिंग भी दे सकते हैं हमारे ये पद्धति से और हमारे कोर्सेस से जो आचार्य जी तैयारी किए कोर्सेस हैं आध्यात्मिक शास्त्रम भारतीय संस्कृति योग विद्या और सुदर्शन कोर्स ये सब कोर्सेस सिखाकर जो काम हम धर्म सेवा मानकर ईश्वर सेवा के रूप में हम सनातन धर्म में धर्म से दूर जाए गए लोगों को वापस लाते हैं कल हमें वहां से लोगों को हमारे घर लेकर आना है उसके लिए भी ताकत होना चाहिए तो हम ये कोर्सेज सीखना जरूरी है ये हमारे अनुभव से हम सीखे हैं और आप सभी से एक बार और विनंती करती हूं इसमें भाग लेने के लिए आपके राय बता सकते हैं या आपको नहीं इसमें कुछ रोल नहीं दे ले सकते हैं तो आप ऐसे मदद कर सकते हैं अपने सब कुछ एज स्किल एनर्जी सब कुछ धर्म प्रचार के लिए स्पेयर करने के लिए तैयारी हुई है कई लोग ऐसे आ रहे हैं तो उनके लिए उनको स्पॉन्सर करके भी आप मदद कर सकते हैं आप इसके इसकी योज, इस योजना के भाग एक पार्ट हो सकते हैं यानी स्पॉन्सर्स को ढूंढने के लिए मदद कर सकते हैं आपको पता है सेमिटिक मतों को मतोम इतने बड़े हैं पूरी दुनिया में सौ से ज्यादा देशों में ईसाई मत फैला गया है सिक्सटी से ज्यादा राज्यों में राष्ट्रों में इस्लाम मत फैला गया है हमारे सनातन धर्म से फिर पैदा हुए एक आशय है एक मत है बौद्ध मत बौद्ध मत भी फोर्टीन से ज्यादा राज्यों में राष्ट्रों में फैला गया है कैसे सुसज्ज वेल ट्रेन्ड मिशनरी सिस्टम से हम हिंदुओं को भी मिशनरी सिस्टम जरूर चाहिए वो ही शाश्वत सॉल्यूशन है और इस मिशनरियों के लिए इन मतों में ऐसे एक संविधान एक ऐसा एक सिस्टम है कि इस्लाम मत में उन मत के एक शर्ती ऐसा है कि अपने आय के ट्वेंटी परसेंट से बीस परसेंट तक मत कार्य के लिए स्पेयर करना ही जरूर है हम हिंदू सनातन धर्मी धर्म के संरक्षण के लिए धर्म सेवा के लिए कितने हम आ, मेहनत करते हैं आप जरा सोचिए तो ये शाश्वत सॉल्यूशन ऐसे होने चाहिए मिशनरी सिस्टम ही लाना चाहिए सालों ये सालों पहले स्वामी विवेकानंद जी ही बताए गए थे जैसे स्वामी जी ऐसे बोल रहे थे कि मुझे पांच हजार ऊर्जावान युवा दीजिए ताकि मैं एक मजबूत भारत बना सकूं। आपके सामने आधुनिक स्वामी विवेकानंद बैठे हैं और उन्होंने आप सभी से ऐसा एक आह्वान और विनंती भी कर रहे हैं मुझे धर्म प्रचारक बनने के इच्छुक हजार लोग मिल जाए तो पांच साल में सनातन धर्म को पूरी दुनिया में फैलाने का काम करेंगे अकेले नहीं हम एक साथ होकर काम करेंगे ऐसे बोल रहे हैं आचार्य जी और इस कार्य के लिए इस योजना में भाग लेने के लिए एक बार और आपसे विनंती करके यहाँ बैठने वालों से एक और विनंती है आप सिर्फ इतनी दुख भरी कहानियां सुनकर यहाँ से जाने वाले लोग नहीं हो जा, होना चाहिए और तालियां बजाकर आप घर वापसी हो गए ना महत्वपूर्ण कार्य है बोलकर अप्रिशिएट करके तालियां बजाकर जाने वाले लोग भी होना नहीं चाहिए हम चाहते हैं हम हम यहा आए हुए लोग और हमारा विद्या समाज जोड़कर एक साथ होकर इस महत्वपूर्ण मिशन को पूरा करें और अपने धरती हमारे मात्र राष्ट्र हमारे और हमारे भार, हमारे भार धर्म सनातन धर्म के संरक्षण हमारे ईश्वर सेवा महत्वपूर्ण ईश्वर सेवा करने के लिए आगे आने चाहिए आपको विनंती करती हूँ और मेरे बात यहाँ समाप्त करती हूँ एक बार मेरे साथ बोल सकते हैं हर 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 इस हरे से एक पाप मुझसे हुआ था एक बार जिंदगी में हमारे गांव के मंदिर में एक बार गई थी जब इस्लाम मेरे ब्रेन उतना पकड़ गई थी उस वक्त माता पिताओं के जबरदस्ती से फोर्स करने से मंदिर जाकर वहां के यार्ड पर वहां के मूर्ति को देकर गालियां दी गई वो मंदिर है श्री महालिंगेश्वर का वहां के शिवलिंग को देखकर गालियां दी थी और वहां के यार्ड में स्पिट भी किए थे क्योंकि वहां शैतान बैठे हैं समझकर। उस पाप की प्रायश्चित मुझसे हमारे गुरुदेव जी ऐसे किए हैं कि आज मैं परमेश्वर जी को भजन करते गाती हूँ और इस मुँह से ही आप अभी सुने हैं हर 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 सनातन धर्म की सनातन धर्म की धन्यवाद